Okay, everyone. So it's your today's topic, chapter 7 of your revolutionary book, The Charge of the Light Brigade. And today we will discuss the topic, and I will explain you the poem. So before starting the poem, we have to study the new portion in your book. Okay, so let's start. Okay, so the blue portion says us about the introduction of this poem. So the poem is about a war. Poem kis cheez ke bare mein hai? About a war between England and Russian soldiers. The poem is about the war between England and Russian units. Okay, so the light brigade was a British horse mounted cavalry unit. Means horses पे जैसे सवारी करते हैं, horses पे जो सैनिक या soldiers चलते हैं, उन्हें क्या करते हैं? कहते हैं cavalry units. ठीक है? उनको क्या नाम दिया गया था? Light brigade. Light brigade means a big group of soldiers. A big group of soldiers means light brigade. Armed only with swords and lances. तो किसके साथ armed होते हैं? कौन से हथियार होने होते हैं उनके पास? सिर्फ swords होते हैं, मींस तलवारों के साथ लड़ाई करते हैं वो, horses पे होते हैं. ओके, द ब्रिगेड वाज नेवर इंटेंडेड टू अटैक. अ फील्ड आर्टिलरी यूनिट हैड ऑन बट अ मिस्टेकन ऑर्डर सेंट देम स्ट्रेट इनटू रशियन कैनन. तो उनको ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि वो स्ट्रेट कहाँ की तरफ जाएंगे? रशियन कैनन की तरफ जाएंगे. कैनन मीन्स तोपे. ठीक है, वो स्ट्रेट किसकी तरफ जाएंगे? रशियन कैनन्स की तरफ जाएंगे. दिस चार्ज टू प्लेस ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बेलाकावा इन क्रीमियन वॉर. सो द पोएम इज अबाउट एंड डिपेंड ऑन द वॉर. द नेम इज क्रीमियन वॉर एंड इट हैपेंड ऑन 15th अक्टूबर 1854. ठीक है, ये वॉर कब हुई थी? 15th अक्टूबर 1854. द चार्ज लेड बाय लॉर्ड Cardigan did reach the artillery battery and scattered some gunners, but they were destroyed in the process. तो उसको कौन लीड कर रहा था? जो चार्ज है, जो ग्रुप है इंग्लैंड का, उसे कौन चार्ज कर रहा था? कौन लीड कर रहा था? लॉर्ड कार्डिगन. The light brigade consisted of about 670 men and most of them were killed in the charge. और जो इंग्लैंड की जो चार्ज था पूरा, उनका ग्रुप था सोल्जर्स का, उसमें कितने सोल्जर्स थे? 670. लेकिन वॉर के होते होते उसमें से बहुत ही कम सोल्जर्स बचे थे, बाकी सब उस युद्ध में, उस वॉर में उनकी डेथ हो गई थी, वो शहीद हो गए थे, उन्होंने अपनी लाइफ अपने देश के लिए सेक्रीफाइस की. हाफ अ लीग ऑनवर्ड्स. So what is the meaning of league? League means the distance. The distance okay, half a league means distance. Distance ke liye yahan par league word use kiya gaya hai. And a league is equal to 3 miles. And a league is equal to 3 miles. One league is equal to beta 3 miles. And हाफ अ लीग मीन्स लीग का हाफ कर देंगे, सो 1.5 माइल. ठीक है, सो यहाँ पे हाफ अ लीग ऑनवर्ड्स यूज फॉर द डिस्टेंस. यहाँ पे मार्च करते हुए सोल्जर्स जा रहे हैं और उनका जो उनके जो लीडर हैं उन्हें क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं. और वह कहाँ जा रहे हैं? ऑल इन द डेथ ऑफ वैली ऑफ डेथ. कहाँ जा रहे हैं? वैली ऑफ डेथ में जा रहे हैं, जो उनका वॉर ग्राउंड है जहाँ पर वो लड़ाई के लिए जा रहे हैं रशियन सोल्जर्स के साथ. उसको क्या बोला गया है? वैली ऑफ डेथ. वैली ऑफ डेथ मीन्स यहाँ पे क्यों यूज किया गया है वैली ऑफ डेथ? अ प्लेस ऑफ ग्रेट डेंजर. अ प्लेस ऑफ ग्रेट डेंजर. ओके, रोड द 600. रोड द 600 में कितने सोल्जर्स रोड कर रहे हैं? हॉर्सेस पे जा रहे हैं. रोड तो हॉर्सेस पे जा रहे हैं. ठीक है, कितने सोल्जर्स हॉर्सेस पे जा रहे हैं? 600. कितने सोल्जर्स हैं? 600. फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड. तो उनके जो लीडर हैं उन्हें क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं. फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. द लाइट ब्रिगेड. लाइट ब्रिगेड मीन्स बेटा
group of soldiers. Light brigade means group of soldiers. Okay, charge for the guns. He said into the valley of death rode the 600. ठीक है, और वो सबसे पहले क्या ऑर्डर देते हैं कि सबसे पहले आपको किसको शॉट करना है, किसके ऊपर चार्ज करना है, गनर्स के ऊपर, गनर्स जिनके पास गन्स होंगी, जिसके पास गन्स होंगी, तो आई थिंक देयर वाज अ ग्रेट थ्रेट ऑफ द गन्स, के जो गन्स थी उनका बहुत ज्यादा थ्रेट होगा, उनको डर होगा कि कहीं ज्यादा सैनिक ना मारे जाए गत्ता यूज करने के बाद, तो उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर क्या दिया कि सबसे पहले आपको जो चार्ज करना है, अटैक करना है, वो किसके ऊपर करना है, गनर्स के ऊपर करना है, जिनके पास गन थी, जिन सोल्जर्स के पास, एनिमीज के पास. ठीक है, सो आई रिपीट द पैराग्राफ. हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑन वर्ड्स, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ. कहां पर चलते जाओ? वैली ऑफ डेथ में. वैली ऑफ डेथ मींस, वैली ऑफ डेथ मींस अ प्लेस ऑफ ग्रेट डेंजर, जहां जिस जगह पर बहुत ज्यादा खतरा होता है, मींस मरने वालों की घाटी. वैली ऑफ डेथ कह सकते हैं ना, मरने वालों की घाटी. रोड द 600, रोड द 600 क्यों बोला गया है? 600 सोल्जर्स हैं जो कि अपने हॉर्सेस पर सवारी करते हुए जा रहे हैं. फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, और किसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं? वो अपने जो लीडर हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं. चार्ज फॉर द गन्स, चार्ज फॉर द गन्स ही सेड, तो उनके जो लीडर हैं वो क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको चार्ज किसके ऊपर करना है, अटैक किसके ऊपर करना है? गनर्स के ऊपर, जिनके पास गन्स होगी. इन टू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, आपको कहाँ जाना है? वैली ऑफ डेथ में. और कौन जा रहा है? 600 सोल्जर्स. Okay. Now Ragini, read the second paragraph. Forward the light brigade, was there a man dismayed? Not to a soldier knew, someone had blundered. Theirs not to make reply, theirs not to reason why. Theirs but to do and die, into the valley of death, rode the 600. Okay, very good Ragini. Forward the light brigade. दुबारा से उनके लीडर उन्हें ऑर्डर देते हैं, क्या करते हैं? Forward means आगे बढ़ते जाओ, light brigade, and light brigade means group of soldiers. के आगे बढ़ते जाओ, group of soldiers. Was there a man dismayed? कि क्या वहाँ पर कोई ऐसा आदमी था, कोई ऐसा soldier है जो अपने जो लीडर हैं उनके ऑर्डर को मना कर रहा हो, डिसमे कर रहा हो? No, no, not. Though the soldiers knew someone had blundered. उन्हें पता था कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो समय था उनके लिए कैसा था? डू एंड डाई का. क्योंकि उसे क्या बोला गया था? उस ग्राउंड को वैली ऑफ डेथ बोला गया था. उन्हें पता था कि वो जाएंगे तो उन्हें ये नहीं पता कि कौन बचकर वापस आ पाएगा और कौन नहीं बचकर आ पाएगा. द वर्ड इज ब्लंडर्ड, द वर्ड इज ब्लंडर्ड मीन्स मिस्टेक. ओके, तो उनकी ये बहुत बड़ी गलती थी कि वो कहाँ जाने वाले हैं, उन्हें पता था. देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, वो जो सोल्जर्स हैं उनमें से कोई सब जवाब नहीं ले रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है. देयर इज नॉट टू रीजन वाई, और कोई ये नहीं पूछ रहा है उसको ऑर्डर मिलने के बाद कि क्यों, कोई क्यों का रिप्लाई नहीं ले रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जवाब नहीं मांग रहा है. देयर इज बट टू, डू एंड डाई, और उनके पास क्या कंडीशन है बेटा? डू एंड डाई की कंडीशन है, या तो करो या फिर मरो. इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, तो सवारी करते हुए 600 कहाँ जा रहे हैं? 600 सोल्जर्स इनटू द वैली ऑफ डेथ. ओके, वेरी गुड. मैम आई कैन रीड. कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन मींस तोपे. ठीक है, उनके राइट में तोपे हैं, उनके लेफ्ट में तोपे हैं, उनके फ्रंट में तोप है, मींस उनके चारों तरफ क्या है? तोप की तोप है. उनके हाथों में क्या है? सिर्फ तलवारें हैं. ठीक है, वॉलेड एंड थंडर्ड, वॉलेड एंड थंडर्ड मींस, वॉलेड मींस यहाँ पे क्या है? बुलेट्स, मींस बुलेट्स फायर होती हैं, और थंडर मींस बहुत जोर से. थंडर मींस क्या होते हैं? बहुत जोर से आवाज होती है. बुलेट्स फायर होती हैं, बहुत जोर से आवाज आती है. स्टॉर्म्ड एट विद
shot and check. और जो बंदूकें चलती हैं, जो guns चलती हैं, उनकी वजह से एक तूफान सा आया हुआ है, एक तूफान सा छाया हुआ है चारों तरफ shell और shots के साथ. Boldly they rode and fell. Means boldly means बेटा बहादुरी के साथ, bravery के साथ. Boldly means bravery. बहादुरी के साथ वो रोड करते हुए horses पे बैठे हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं into the jaws of death. जॉन मतलब होता है जबड़ा एंड डेथ मींस मृत्यु डेथ. ठीक है, वो कहाँ जा रहे हैं बेटा? रोड करते हुए जॉज ऑफ डेथ मींस मौत के मुंह में जा रहे हैं. इनटू द माउथ ऑफ हेल, किसके मुंह में जा रहे हैं? हेल के, नर्क के मुंह में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ पर जीवित बचेंगे या फिर नहीं बचेंगे. ओके, दिव्यांशु प्लीज रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. मैम हम रीड करें बेटा, प्लीज वेट फॉर योर टर्न. ओके, फ्लैश्ड ऑल देयर सेब्रेस बेयर फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन एयर सैपरिंग सैपरिंग एंड गनर्स देयर चार्जिंग एन आर्मी व्हाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड. ठीक है, फ्लैश्ड ऑल देयर सेब्रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेब्रेस? Sabre means swords with a curved blade. Means यहाँ पे swords का meaning है sabre, कि वो अपनी जो तलवारें हैं उन्हें हवा में उठाते हैं, हवा में अपनी तलवारों को घुमाते हैं. Sabring and gunners there, और वहाँ पे बहुत सारे gunners भी हैं. Charging an army by all the words, और उनको देखकर, उनकी लड़ाई को देखकर, उनके युद्ध को देखकर, उनकी बहादुरी को देखकर पूरा जो world है वो क्या होता है? Wondered होता है. Wondered means हैरान होता है उनकी बहादुरी को देखकर. Plunged in the battery smoke, right through the line they broke. और जैसे ही वहाँ पर तोपों का धुआं और जो गन्स हैं उनका धुआं वहाँ पर चारों तरफ फैलता है, right through the line they broke. वैसे ही जो light brigade हैं, जो इंग्लैंड की तरफ से जो soldiers हैं, वो enemy जो soldiers हैं उनकी लाइन को ब्रेक कर देते हैं, उनकी लाइन को तोड़ देते हैं. कि वो किस तरीके से खड़े हुए थे, उनकी लाइन को ब्रेक कर देते हैं, उनके ऊपर जाकर अटैक करते हैं. जैसे ही वहां पर स्मोक इकट्ठा होता है, कोसेक एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सेब्रेस स्ट्रोक. और जो रशियन सोल्जर्स हैं वो इस तरीके से उनके अटैक को देखकर क्या होते हैं? डर जाते हैं. ठीक है, डर जाते हैं. शैटर्ड एंड सन्डर्ड, और धीरे धीरे करके वो बिखर जाते हैं. शैटर्ड मीन्स बिखर जाना. देन दे रोड बैक बट नॉट द 600. वो जो 600 सोल्जर्स थे वो अब वापस आ रहे हैं, लेकिन अब आते समय वो 600 नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है. अब वो 600 बाकी नहीं बचे हैं. ओके, निखिल नाउ रीड द फिफ्थ पैराग्राफ. कैनॉन टू राइट ऑफ देम, कैनॉन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनॉन बिहाइंड देम वॉलेड एंड 100. Stormed at with shot and shell, while horse and hero fell. They that had fought so well, come through the jaws of death, back from the mouth of hell, all that was left of them, left of 600. Okay, now, so this paragraph is something similar to paragraph third. ठीक है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा सिमिलर है पैराग्राफ थर्ड से. ठीक है, कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम, मींस वही है. उनके चारों तरफ क्या है? तोपे हैं, कैनन्स हैं. वॉलेट एंड थंडर, वॉलेट मींस मैंने आपको बताया था बुलेट्स, के बुलेट्स की आवाज़ होती है और बहुत जोर से आवाज़ होती है जैसे ही कोई बुलेट छोड़ी जाती है, तोप छोड़ी जाती है. स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड शेल. ठीक है, और वहाँ पर एक तूफान सा आया हुआ है, जैसे कि बुलेट्स के साथ और जो धुआं है उसके साथ वहां पर एक बंदूक की जो गोलियां होती हैं उनका तूफान सा आया हुआ है, इतनी ज्यादा गोलियां चल रही हैं. व्हाइल हॉर्स एंड हीरो फेल, फेल मींस गिरना, हॉर्स मींस घोड़े गिर गए हैं. ठीक है, हीरो क्या है? हीरो मींस यहाँ पे किसको बोला गया है? सोल्जर्स को. तो जैसे ही तोप फायर होती है सोल्जर्स गिर जाते हैं और जो उनके हॉर्सेस हैं वो भी गिर जाते हैं. दे दैट हैड फॉट सो वेल, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे से उन्होंने फॉट किया, लड़ाई की. केम थ्रो द जॉज ऑफ डेथ, और वो कहाँ से वापस आए हैं?
मौत के मुंह से वापस आया, डेथ फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, हेल मींस नरक, कहां से वापस आए हैं, मौत के मुंह से वापस आए हैं, नरक के मुंह से वो वापस आ गए हैं. ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ देम, लेफ्ट ऑफ 600, ठीक है, लेकिन वो सारे नहीं है, वो अब सिर्फ कुछ बचे हुए हैं, कुछ सोल्जर्स सिर्फ बचे हुए हैं, वो सारे 600 सोल्जर्स वापस नहीं आए हैं. अनुज नाउ रीड द 66th पैराग्राफ. When can their glory fade? Oh, the wind charge they made all the world. Wild charge they made all the world wonder. Or honors. Honor. Yes. Honor the charge they made under the light bridge, noble 600. Made noble 600. Okay. So in this paragraph, the poet refers to the soldiers. किसको refer किया जा रहा है बेटा? Soldiers को refer किया जा रहा है. क्या बोला जा रहा है? When can they are glorified? क्या ये हमें question पूछा जा रहा है? कोई भी question पूछेंगे क्या कभी ये जो soldiers हैं जिन्होंने इतनी बहादुरी से, इतनी bravery से क्या किया है, लड़ाई की है, युद्ध किया था अपने देश के लिए, क्या उनकी ग्लोरी को कभी बुलाया जा सकता है, उनकी बहादुरी को कभी बुलाया जा सकता है? ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की है, चार्ज किया था. ऑल द वर्ल्ड वर्ल्ड वंडर्ड, मींस पूरा जो पूरी जो दुनिया थी वो हैरान थी. ऑनर द चाइल्ड चार्ज दे मेड, कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने युद्ध किया है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए. इसका द लाइट ब्रिगेड का, लाइट ब्रिगेड मीन्स ग्रुप ऑफ द सोल्जर्स, नोबल 600, उन 600 सोल्जर्स का हमें सम्मान करना चाहिए. एंड इट वॉज योर पोयम रिटन बाय लॉर्ड एल्फोर्ड टेनिसन. ओके ओके मैम.